सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर क्रिकेट गेमिंग में। और लास्ट एपिसोड में हमने हमारा तीसरा बैच जीत लिया था एलटी सर्च, और हमने एसएस आने में भी गए थे। और मैं पहले सेरुलियन सिटी में आ चुका बिकॉज हमें यहीं से ही कंटिन्यू करना है। और मैंने इधर से बाइक वाउचर लेके उसे एक्सचेंज कर भी बाइसिकल भी ले लिया था, मैं आपको दिखा देता। तो ये जगह गाइस है ना ऑसम। तो गाइस हमें इधर जाना है, तो पहले तो हमें स्ट्रीक को कट करना है, और हमारी टीम नॉर्मल ही है पहले ही ऐसी ही। तो इधर हमें ऐसे कट करना है, तो वैसे हमने हमने वो बैटल पहले कर ली थी और ये भी कर ली थी हमने। और इधर हम एक दो पॉकॉन्स कैच कर लेंगे। ओ भाई इधर तो आ ही नहीं रहे भाई अच्छे पॉकॉन्स, तो इधर देखते हैं। ओके इधर तो मुकाबला होगा इसलिए हम उसे स्किप करेंगे गाइस। तो मेरे हिसाब से इधर कोई अच्छे पोकेमॉन साथ तो नहीं रहे, तो हमें आगे जाना चाहिए। ओके यहाँ पर क्वैक से आ रहा है, तो आई डोंट थिंक आई शुड कैच हिम। ओके इधर बक टाइप से मुकाबला होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने चैमेलियन को रखा था पहले। तो चलो कैटेपिक को हरा दिया, तो हम इस बैटल को स्किप करेंगे गाइस। चलो गाइस हमने उसे हरा दिया, और यहाँ देखते हैं अगर यहाँ कोई पोकेमॉन मिल जाए तो। ओए भाई डक्ट्री है, नहीं, वैसे मुझे तुझे नहीं पकड़ना है। तो अरे मुझे लगता है कि यहाँ पर मिलेंगे भाई पोकेमॉन्स। इधर चलते हैं, इधर तो देखो तो कितनी घास है। ओ भाई चामेंडल मिल रहा है भाई इधर तो, वाह भाई वाह। तो मुझे कोई बल्बसॉर या फिर स्क्वर्टा ले लेना, तो मुझे यहाँ पर ही मिल गया भाई क्ले डॉल। ओ पी भाई क्ले डॉल भी ना ओपी पोकेमोन है भाई, फुल ओपी पोकेमोन है भाई वो तो। भाई चैमेलियन को फायर फैंग सीखना है, बढ़िया। चलो मैं अपने स्केरीफाइज को निकाल देता भाई इधर, और 229 पॉइंट्स गेन कर लिए है। चलो भाई जब देखते हैं इधर। ओके इधर कोई अच्छा पोकेमॉन मिल तो नहीं रहा है, मुझे लगता है कि हमें आगे जाना होगा भाई इधर से। ओ भाई कितनी घास 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 ही है भाई इधर तो। चलो भाई मुझे ना वैसे ट्री को चिमचा ऐसे कौन चाहिए भाई, मैंने ना ऐसा ही कुछ डिसाइड किया था भाई मैं पोकेमॉन टीम रखूं। तो इधर पहले तो मैं अपने एक क्लेडोल जो जिसे पकड़ा हो ना वो मैं रख देता हूँ, और हम चलते हैं अब आगे। तो इधर मुकाबला होगा तो हम इधर से ही जाएंगे। यहाँ पर भी कहाँ से देखते हैं। ओ भाई मैंने ट्रिक नहीं, वैसे मुझे तुझे ना नहीं पकड़ना है, तो फिलहाल के लिए तो मैं तुझे नहीं पकड़ूंगा। ओ भाई पहले ही लैंप पट आ गया भाई, वही स्वैम्प पट। अब लैंप पट आया तो स्वैम्प पट आ गया भाई इधर तो। ओपी बोलते भाई स्वैंपर को भी भाई, ओपी हो इंटेलिजेंट के स्टार्टर्स हमें मिल रहे भाई इधर तो। अभी वह बस करना आ गए ना, तो एक बार तो दूसरे पोकेमॉन को आने देना। चलो गाइस हमने वो बैटल कर लिया इधर, मतलब कॉन्केड्रोल जो भी इसका नाम हो वो आ गया था वैसे। तो इधर अपने चैमेलियन को एक्सचेंज कर देते अपने गबाइट से भाई, गबाइट से एक्सचेंज कर देते हम। और भाई और एक रैपिड डैश आ गया भाई, रैपिड डैश मैंने तुझे पकड़ लिया है ना। सो चलो गाइस हमने इधर इसे हरा दिया है, और इधर देखते हैं। ओ भाई पोनीटा भाई, मैं रैपिड डैश को पकड़ा तो अब पोनीटा क्यों आ रही है भाई, मुझे ना ये समझ नहीं आया। ठीक है ड्यूगोंग आए इसे पकड़ लेते भाई, और क्या। ठीक है हमने इसे कैच कर लिया गाइस इधर हमने इसे, तो अब देखते हैं। ओ इधर भी मुकाबला होगा। चल भाई हमने इसे हरा दिया और अब आगे चलते हैं। ओ इधर मुकाबला नहीं होगा हमारा, अच्छा चलो ये ना बहुत अच्छी बात है। और मैं गबाइट पॉइजन हो चुका था तो मैं उसे हील कर दिया भाई। लैंडोरस भाई ये तो वही है ना यूनोवा का लेजेंडरी पोकेमॉन भाई, ओपी बोल दे भाई इसे तो, ओपी भाई ओपी। यार भाई मैं कभी सोचा नहीं था कि इस क्यों में मतलब एक लेजेंडरी पोकेमोन ही हमें मिल जाएगा भाई। ठीक है क्या और कोई लेजेंडरी पोकेमोन मिलता है यार,
वैसे मुझे तो क्यूरम चाहिए भाई, क्यूरम ना वो मेरा बेस्ट फेवरेट, मतलब फेवरेट पोकेमोन है भाई वो हमारा, अपना पोकेप्लेट गेमिंग का फेवरेट पोकेमोन भाई, लेजेंडरी। तो इधर सैंडम करते भाई इसके ऊपर, ओके। और एक बार करते सर, ओ अटैक मिस हो गया भाई, ये कैसे हो सकता है। ठीक है भाई, फिलहाल के हमने उसे हरा दिया, अब देखते हैं दूसरा पोकेमोन कौन सा है उसका। भाई आयशा डर दुगन चुना जाए तो चल ग्राउंड को निकाल देते हैं, उसमें गया भाई। अब मैं इसे अच्छे से दिखा नहीं, ओके ऑनिक्स है ना, तो अगर हम इसमें ग्राउंड टाइप मूव करें तो जल्दी हार जाते हो। ओके थोड़ा रह गया, हाँ मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज ये सैंटम इतना भी अच्छा अटैक नहीं है ग्राउंड टाइप, और तो एक डेक और मैग्नीट्यूड के मुकाबले का है। ठीक है तो थोड़ी मैं परेशानी तो होगी हमें भाई। ओपो यार, मैं क्या मतलब इधर कितने पुकमॉन्स मिल रहे भाई। हो मेरा लैंड्रेस मिल रहा भाई, स्वैम्पट मिल रहा भाई हमें भाई, क्या भाई इस गेम को सलाम ठोकना चाहिए भाई, इतने लेजेंडरी पोकेमोन ऐसे मिल रहा है भाई। सर चलो हमने उसे तो हरा दिया, अब इधर आगे चलते। ओ भाई ड्रैगन है, सूडो लेजेंडरी पोकेमोन मिल गया भाई हमें तो। वो वैसे मैंने ड्रैगनाइट को पकड़ा था ना, ओके तो कोई बात नहीं, हम ड्रैगनाइट को पकड़ लेते हैं। और स्वैम्पट फॉसेट सीखना चाहता है तो मैं उसे सिखा नहीं चाहता, तो चलो ड्रैगनाइट को मैं पकड़ लिया। अब इधर से हम बैटल को स्किप करते हैं भाई, देखो इधर बैटल होगी ना, हमने उसे स्किप कर लिया बहुत ही आराम से भाई। इधर तो कुछ है तो नहीं मेरे हिसाब से, अब साइकिल का इस्तेमाल करते भाई इधर। ओ भाई केल्फ, केल्फ की भाई क्या भाई इसका नाम, बहुत बोरिंग पोकेमोन लगता है भाई। तो इधर मैं अपने किस पोकेमोन को भाई फ्लगाडिया को रखता हूँ भाई इस बार। तो इधर मुकाबला हो रहा है हमारा भाई, मुझे ना इस गेम के ऊपर एक क्वेश्चन है, जहाँ तक मैंने इस गेम को खेला है ना, मुझे लगता है कि मैं कोई गलावर रीजन के पकवान वगैरह। हाँ भाई क्या इसमें गलावर रीजन के पकवान मिलते हैं क्या? अगर आप में से किसी ने ये गेम खेला है तो प्लीज़ बताएं कि इस गेम में गलावर रीजन के पकवान मिलते हैं कि नहीं, बिकॉज मुझे गलारियन फारफेच पकड़ना है भाई। टापू बुलू ये तो आलोलन रीजन का वो क्या बोलते भाई लेजेंडरी पोकेमोन है भाई, लेकिन इसका नाम इतना बकवास है भाई, फनी नेम है भाई इसका। ठीक है फनी नेम होता है भाई, भाई कभी सोचा नहीं था कि इधर तीन लेजेंडरी और एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन मिलेगा हमें। तो मतलब ये मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये रैंडमाइज्ड गेम है, बिकॉज रैंडमाइज्ड गेम में ही ऐसे पोकेमोन आ जाते हैं भाई। ठीक है मैं बहुत बार ऐसा हुआ है भाई, मैं जब रैंडमाइज गेम खेलता हूँ ना, घास में ना कोई और ही पोकेमोन, कोई लेजेंडरी पोकेमोन आ जाए, रूट वन हम जब निकलते हैं ना अपने घर से, वहाँ पर मुझे ना कभी कभी रैंडमाइज गेम वो दिख जाए भाई, हो दिख जाता है, फिर वो क्या करे भाई अपना जैपडॉस या फिर मोल्ट्रस दिख जाता है भाई हमें। नहीं मतलब मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ भाई, सच्ची है, मुझे ना ऐसा बहुत है मतलब हुआ है। मुझे ना ये गेम रैंडमाइज ही लगता है, कोई मेगा एवोल्यूशन गेम नहीं, अभी तक मैं कोई मेगा एवोल्यूशन भी नहीं आया भाई। ओ भाई दूसरी बार लैंडोरस भाई, ओपी बोलते भाई इसे तो। इस गेम ना मैं, मुझे पता है कि मैं कितने वीडियोस में बोला है कि ये ओपी गेम है, ओपी गेम है। हाँ तो ये ओपी गेम है तो मैं ओपी तो बोलूंगा भाई, ये मेगा एवोल्यूशन गेम ना इतनी अमेजिंग ऑसम है, मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है भाई। मतलब आगे तो मुझे पता है लेवेंडर टाउन में वो करना है, आगे से जाना है हर शहर में वो मुझे पता है, लेकिन एलीट फोर से मुकाबला मतलब चैंपियन बनने के बाद हमें क्या करना है भाई, ये ना मुझे मतलब कब से मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है, जब से मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ ना तब से मैं वही सोचूं कि आगे क्या हो रहा है, बिकॉज मैं वहाँ तक नहीं खेला है, मैं तो सिर्फ 5-6 बैचेस जीते थे जब मैं पर्सनली खेल रहा था तब, और तब तो मैं इतनी आगे नहीं गया था, चैंपियन भी नहीं बना था, 8 बैचेस भी नहीं मतलब जीते थे, मैं तो सिर्फ 6-7 बैचेस जीते थे, और फिर
मैंने कुछ खेला ही नहीं वो, बिकॉज मुझे वो बोर लग गई। लेकिन इस बार अगर मैं आपके साथ खेलूँ तो मुझे यकीन है कि मुझे बोर ने बहुत मजा आया गाइस। तो चले अब निकलने की बारी, और इधर पहला ही मुकाबला होने वाला था। तो मेरा फ्रोगेट यार अभी वो है, क्या बोलते भाई अपने, पॉइजन है भाई, पॉइजन है। तो इधर रॉक टाइप मतलब वो होगा भाई बैटल। तो इधर मैं इसे रख देता हूँ भाई आगे अपने ग्विलाडिन को। चलो गाइस हमने इसे हरा दिया है। और भाई जल्दी अंदर चलो, लैवेंडर टाउन में बरसात कैसे भाई? पहली बार देख रहा हूँ मैं बरसात, बरसात ठीक है देखते हैं और एक बार। ओ नो, मैं भीग जाऊंगा भाई, अंदर नहीं रहता है, अच्छा होगा भाई अभी। तो भाई इधर अपने पोकेमॉन्स को डिपॉजिट कर देते हैं और अपने नए पोकेमॉन्स को देखते हैं भाई। लैंडरस बहुत अच्छा लग रहा है, हो भी बहुत अच्छा लग रहा है। इधर हमने ना 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स पकड़ लिए हैं और एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन और 2 नॉर्मल पोकेमॉन्स। और क्या आपको पता है मैंने 2-3 गेम्स ऐसे खेले हैं जिसमें ना नाम होता है पोकेमोन तो एक्सट्रीम रैंडमाइज गेम। उसमें ना क्या होता है, स्टार्टर्स भी अलग होते हैं, उनकी टाइपिंग अलग होती है। मतलब अगर रैपिड डैश हम चूज कर लें तो उसकी टाइपिंग ना वाटर टाइप भी हो सकती है, ग्रास टाइप हो सकती है, फ्लाइंग टाइप हो सकती है। और उसके जो भी अटैक्स हो ना, अगर अगर वो सीखा है कोई फ्लेम व्हील अटैक तो वो फाल टाइप नहीं होता, वो कभी कभी ड्रैगन टाइप बन जाता है। ऐसा ना एक्सट्रीम रैंडमाइज गेम भी होता है गाइस। मैं भी आपको जल्दी खेल कर दिखाऊंगा गाइस। बस तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए गाइस इस वीडियो को। और आगे नए नए वीडियोस अगर आपको पता ना चले तो उसके बेल आइकन को और पर सेट कर दीजिएगा, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो गाइस तब तक के लिए अलविदा, बाय।